मोहब्बत मत करो वरना जमाना मार डालेगा।
है ना? बादशाह भाई कितर गए, यूसुफ भाई मैं माफी चाहती हूँ, आप लोगों के नाम नहीं जानती, लेकिन सभी हजरात से तवज्जो चाहूंगी, इधर पीछे भी जितने हजरात बैठे हैं। अच्छा इधर यूसुफ भाई, अभी आपने सुना आपके 30 साल पुराने दोस्त से कि जमाना मार डालेगा मोहब्बत करने से, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। एक गजल पेश कर रही हूँ और गजल के रिवर्पन कीजिए भाई, मतलब पर खास तौर पर तवज्जो चाहूंगी। ये मतलब देखिए, मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत कैसी है और मोहब्बत कौन करता है? हेलो 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 रिवर्पन, हेलो 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 हेलो। गजल के मतलब से पहले चंद कलाक पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगी। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगी नहीं लगता। अरे मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं, अब फिर भी जाने क्यों, उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता, उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। मुनव्वर राणा कहते हैं कि रहेंगे खामोश, इधर इधर मोबाइल में बात में देख लेना, थोड़ी देर मोबाइल रख दो, बर्दाश्त करो, अभी इधर 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 रह के खामोश हर बात बता देता है, रह के खामोश हर बात बता देता है, और चेहरा गुजरे हुए हालात बता देता है। अरे लाख कपड़ों में कोई खुद को छुपाए, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है, बता देता है। लेकिन खास तौर से तवज्जो चाहूंगी सभी हजरात से, दोस्ती करने का हुनर उसने ही सिखाया था, दोस्ती करने का हुनर उसने ही सिखाया था। जो मेरे सामने शमशीर लेके आया था और जा तुझे छोड़ दिया इसलिए मेरे कातिल, क्योंकि मैंने एक बार तेरे घर का नमक खाया था, एक बार तेरे मोहब्बत। ऐसा किसी दुल्हन का मुकद्दर नहीं देखा जिसने कभी ख्वाबों में भी जेवर नहीं देखा। अरे देखे हैं फकत कीमती कपड़े मेरे उसने, अच्छा अच्छा है अभी उसने मेरा असर नहीं देखा। ये मोबाइल में मत करो, इधर 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 देखो इधर। देखिए जिसमें हिम्मत होती है वो तो सीना ठोक के देखता है। आप लोग देख रहे थे जब आवाज दे रहे थे, बिंदास देख रही थी। अब अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि पब्लिक उधर देखे कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यार, रूबी का गाना तो कुछ खराब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, ऐसे शेर की औलाद हूँ शेर की। तवज्जो चाहूंगी कि ऐसा किसी दुल्हन का मुकद्दर नहीं देखा जिसने कभी ख्वाबों में भी जेवर नहीं देखा। देखे हैं फकत कीमती कपड़े मेरे उसने, अच्छा है अभी उसने मेरा घर नहीं देखा। और तुम जानो क्या किस तरह मोहब्बत की जलन को, अरे तुमने अभी अंगारों पे चलकर नहीं देखा। चलकर
अपने पर तवज्जो चाहूंगी कि जमाना मार डालेगा, है ना, लेकिन मोहब्बत देखी है, मोहब्बत तवज्जो। जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं सभी हजरात से, अरे वो पूछे छोर
बरकतुल्ला खान साहब इनकी ओर से 500 रुपए मिले, शुक्रिया। और उनका भी कहना है क्या, वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, मैं उसे खुश और मैं उसे खुश भी ना देखूं। अरे मैं उसे खुश बिना देखूं तो वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, इनके ऊपर से कह रहे हैं वो ये वो क्या रखेगा जिंदगी अपनी संभाल के, जो जी रहा है जख्म पर तेजा, तुमने ही एक बार हमारा नहीं किया, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल के, तो मुझे जब प्यार होता है तो पहले नजरें मिलती हैं, जैसा अभी इन्होंने कहा था कि आज रूबी की नजरों में डूबना चाहता हूं। वीडियो अंदर घुस जाना चाहता हूं, आओ घुसो कि ये खता किसकी, हेलो अभी आपने कहा कि रूबी की नजरों में घुस जाना चाहता हूं, अब इसका जवाब देना मुझे कि ये खता किसकी, ये टूटी है कयामत कैसी, ये खता किसकी ये टूटी है कयामत कैसी, ये खता किसकी ये टूटी है कयामत कैसी, ये खता किसकी ये टूटी है कयामत कैसी। अजीम साहब, ये खता किसकी ये टूटी है कयामत कैसी, जुर्म आंखों ने किया दिल पे ये आफत कैसी, पठान बरकतुल्ला मंडी वाले की ओर से ये नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया करने वाजिश। और हेलो
कि दिल का दरवाजा खुला रखा है तेरी खातिर। दिनों का मत घटाने के लिए रातें बड़ी करना और बड़े शहरों में रहना है तो फिर बातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना चाहो तो मुलाकातें बड़ी करना। खुशियों से नहीं चलता है दुनिया का निजाम, सिर्फ खुशियों से नहीं चलता है दुनिया का निजाम, गम भी इंसान की जरूरत के लिए होते हैं। और ये भीड़ भीड़ चेहरे की जमाने में बहुत है, लेकिन अरे चंद चेहरे ही मोहब्बत के लिए होते हैं। चलता है दुनिया का निजाम, गम भी इंसान की जरूरत के लिए होते हैं, और भीड़ चेहरे की जमाने में बहुत है, लेकिन चंद चेहरे ही मोहब्बत के लिए होते हैं। एक दोस्त था उसको भी दुश्मन बना दिया। और जिस दिन तुझे भुलाएंगे हम मर ही जाएंगे, हमने तो तेरी याद को धड़कन बना दिया। जब भी जी चाहे चले आना, इजाजत कैसी के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन दे रही हूं मैं दे रही हूं। ये कोकन के शायर है बकर सिमादी, उन्होंने ये शेर कहा है, तवज्जो, कि तुझसे नजरें यूं मिलाऊं तो हंसेगी दुनिया। हकीकतों को फसाना बनाने लगते हैं, समंदरों को जजीरा बनाने लगते हैं,
मैं तुमसे मिलना तो हर रोज चाहती हूँ, मगर ये गली के लोग तमाशा बनाने लगते हैं। Who did?
तेरे ही से मैं बता के, तेरे ही से मैं बता के मुझे जन्नत कैसी। अपने माँ बाप का दिल तूने दुखाया होगा। वफा के गीत मोहब्बत के सांस पढ़ते हैं, वफा के गीत मोहब्बत के सांस पढ़ते हैं, दुआ के ममता के सब गहरे राज पढ़ते हैं। अरे तू कोई तंज मेरी माँ की ओर ही पे ना कर, तू कोई तंज मेरी माँ की ओर ही पे ना कर, अरे इस ओढ़नी पे फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। आपने अभी इधर से मां और बाप के शेर सुने, कुछ शेर मैं पेश कर रही हूँ। अशार मेरी माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगी, शायद पसंद आए। कि रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं। रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अरे झोली है मेरी खाली मोहब्बत की भीख दो। समझ जाऊंगी खास तौर से। रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं। हर रोटी जो किसी वजह से हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है कि मुझे भूख नहीं। भूख नहीं, लेकिन है मेरी जिंदगी कुर्बान तुझ पर मेरी बूढ़ी माँ, है मेरी जिंदगी कुर्बान तुझ पर मेरी बूढ़ी माँ। मेरी दुनिया सवारी है, मेरा उपवास हवारा है, और कमा कर इतने सिक्कों को मैं कभी दे नहीं पाया, इतने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। दोस्तों से खास तौर से तवज्जो चाहूंगी कि अगर इस पर अमल कर लेंगे तो मरने के बाद भी फायदे में रहेंगे। मेरी माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगी, इधर जितनी भी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, कि लहू का रंग मेहंदी की बू ने छीन लिया, लहू का रंग मेहंदी की बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया, लहू का रंग मेहंदी की बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। वो पूछता है तबस्सुम खुशी मुस्कुराहट, वो पूछता है तबस्सुम कहाँ गया तेरा, अरे उसे मैं कैसे बताऊं कि तूने छीन लिया, क्योंकि बीवियों के जाल में रहने लगे। आज के दौर की हकीकत बयां कर रही हूँ, बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं यहाँ पर, बीवियों के जाल में रहने लगे। गौर से सुनो, बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी मुफलिसी की धूप में थे तो छत पे थे अजीज, और आ गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। अरे ये लोग औलादों से रखते हैं अपनी क्या क्या उम्मीदें, खुशनसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके। अरे पूरी करते रहते हैं
बीबी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा ना बनवा सके। शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगा कर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तो बुजुर्गों के बनाए साहिबान को छोड़ मत देना मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों के बनाए साहिबान को छोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलिस्तां को छोड़ मत देना। अरे कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से चली जाए जन्नत, बहू और सास के झगड़ों में माँ को छोड़ मत देना। शुक्रिया कर नवाजिश कि कहीं ऐसा ना हो। वाहिदा बेगम इनके बेटे, इनकी ओर से भी ये नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया कर नवाजिश कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से चली जाए जन्नत, बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। क्यों? क्योंकि एक माँ ऐसी है, एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा अपनी चाहता ख्याल। अगर सात बच्चे पाल सकती है एक बूढ़ी माँ, मगर सात बच्चे रख नहीं सकते एक माँ का ख्याल। बहुत रोते हैं जिनको लतीफे याद रहते हैं, और खुदा ने ये शिफ़त दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। ये हमारे जो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत खुशनसीब बेटे हैं जिन्हें ऐसी मां मिली है, वाहिदा बेगम। वो पाजी अगर मुझे दिख नहीं रही, तवज्जो चाहूंगी उनके बेटों के नजरों, जितने भी नौजवान दोस्त हैं अपनी मां के लिए, क्या कि बस 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 एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है, और जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। और ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बाजू में कोई भी हो, कोई भी चलता, लेकिन एक वाहिद शागिर्द का ऐसी हूं कि मैं अपने उस्ताद का कभी नहीं गाती। हाँ कुछ चाहिए तो मैं अपने उस्ताद से लिख के लेती हूँ, और मैं अपने उस्ताद का नाम बाद में बताऊंगी आपको।
उस्ताद ऐसे हैं वो कि जितने भी आप यहाँ लोग मौजूद हैं सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे अजीम साहब अजीम नाजा जी ने ये शेर लिख के भेजा है, बहुत एक माफ का इनकी ओर से ये 500 रुपए मिले, शुक्रिया। मुझे भी दुआ दे दीजिए, मेरी तो माँ नहीं है, तवज्जो चाहूंगी। अच्छा यूसुफ भाई, बेशक बेशक बेशक, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और हर ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अरे ये ऐसा कर्ज है मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना पहुंचूं मेरी माँ सदैव में रहती है। और मेरा यकीन है आपके जितने सातों बेटे ये दुआ जरूर करते हैं, कसम से अगर करते हो तो बोलना, क्या कि जो तेरी खुशबू से लिपटी हुई ये चिट्ठियां उड़ जाएं, जो तेरी मेरी बूढ़ी माँ जो तेरी खुशबू से लिपटी हुई ये चिट्ठियां उड़ जाएं, तो तमाम शहर में क्या क्या कहानियां उड़ जाएं। और कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है अगर मेरे मौला, तो मेरी माँ के चेहरे से ये सारी छुरियां उड़ जाए। दस्तार सर से छिन गई, चेहरा नहीं रहा,
अपने ही शहर में कोई अपना नहीं रहा। और ये और बात जान से प्यारा है आज भी, हालांकि उससे अब कोई रिश्ता नहीं रहा, हालांकि उससे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। और वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था, करीब था। और मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था, एक माफा इनकी ओर से ये नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब गजल का मतलब सुनो आप। जैसा आपने सुना कि दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं है। कितने लोगों को यह गजल पसंद है, जरा हाथ उठा के बताइए। अच्छा, बहुत कम लोगों को पसंद है। उनके भाई से अरमान, इनकी ओर से 500 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया कर नवाजिश। रुक रुक कर रहा है याद ये दिल धड़क धड़क के मुझे, मतलब सुनिए। जिस दुनिया में रुसवाई हो, जिस दुनिया में रुसवाई हो, जिस दुनिया में रुसवाई हो,
वाह माशाल्लाह, इनके बड़े भंज अरहान, इनकी ओर से भी 500 रुपए मिले, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। छोटी में ये पुकार है, इसका कट्टा क्या शानदार है।